नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे आटे का हलवा। चलिए देखते हैं क्या सामग्री लगेगी। तो एक कटोरी लिया है हमने देसी घी, एक कटोरी आटा छना हुआ और एक कटोरी चीनी। चीनी आपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसमें लगेगा पानी। तो यहाँ पे गैस ऑन करके हमने उस पर रख दी है कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें आटा डालेंगे। और अब आटे को अच्छी तरह चलाते हुए मीडियम गैस पे अच्छे से इसे भून लेंगे। अच्छे से चलाते हुए इसे भूनते रहेंगे। हाथ को रोकना नहीं है, आप इसे चलाते रहें वरना ये जल जाएगा। और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनिए। और इस साइड हमने गैस पे रख लिया है गर्म पानी, इसमें अच्छी तरह उबला हुआ गर्म पानी डालेंगे हम। ये देखो 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से गोल्डन हो गया है, और अच्छी भीनी 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 खुशबू भी इसमें से आ रही है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिलाते हुए, चीनी बिल्कुल पानी छोड़ देगी। तो इसमें हम, अब पानी गर्म हो गया है, अब इसमें पानी डालेंगे। 4 से 5 कटोरी इसमें पानी डालेंगे हम। अब हम इसमें पानी डालेंगे। चार से पांच कटोरी पानी है इसमें, बिल्कुल गर्म पानी होना चाहिए। और अब हम इसे अच्छी तरह से चला देंगे, अच्छी तरह घुमाते रहेंगे चारों तरफ से हिलाते हुए। तो इसको अच्छी तरह हिलाते हुए हम पका लेंगे। अच्छी तरह पकाते हुए बिल्कुल हलवे की क्वांटिटी में होना चाहिए। ये देखो गाढ़ा होने लग गया है, और इसे तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। ये देखिए अब घी छोड़ने लग गई है। ये देखो, तो अब ये हलवा रेडी हो चुका है। इसमें सारा घी छोड़ दिया है, देखो। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो ये देखो, आप इसके लिए आटा थोड़ा मोटा ही लें, उससे हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। ये हमारी पहली वीडियो थी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, और कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। राम राम जी।